हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल मिथिला चर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छठ का महापर्व शुरू हो गया है। आप सभी जानते हैं कि छठ महापर्व 4 दिनों तक बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और आज का जो दिन है, आज से छठ महापर्व का खरना का दिन है। आज के दिन गन्ने के रस से खीर बनाई जाती है और ठेकुआ बनाया जाता है। गन्ने के गुड़ से भी बना सकते हैं, गन्ने के रस से भी बनाया जाता है। अगर जो आपके पास गन्ने का रस नहीं है तो आप गुड़ से भी खीर और ठेकुआ बना सकते हैं। तो आज मैं वही रेसिपी लेके आई हूँ और आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ली हूँ एक बड़ी साइज़ की गुड़ की डली और उसको बारीक बारीक हमने तोड़ लिया है और मैं थोड़े से पानी में इसको यहाँ पे भिगो के रख रही हूँ ताकि जो गुड़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे मैं खीर बनाने के लिए ली हूँ एक छोटी कटोरी के मेजरमेंट से चावल ली हूँ यहाँ पे और इसको अच्छी तरह से धो के और मैं थोड़ी देर तक इसको सॉफ्ट करके रखती हूँ ताकि थोड़ा चावल जो है सॉफ्ट हो जाए। इधर जो हमने गुड़ को पानी में डिप करके रखा था वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, हमने छन्नी से छान लिया है और गैस पे भगोने को रखती हूँ और गुड़ का रस जो है वो भी गर्म हो गया है और इसमें मैं डाल रही हूँ चावल और मैं पका लूँगी खीर को। और बीच बीच में मैं ऐसे चलाते हुए चेक करती रहूँगी। खीर को मैं तब तक पकाऊँगी ताकि जो गुड़ का रस है और जो चावल है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए, गाढ़ा हो जाए। तब तक पकाना है इसको। बहुत ही टेस्टी खीर बनती है और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन खरना के दिन, आज से छठ महापर्व शुरू हो जाता है तो आज के दिन छठ माता को गुड़ की खीर और ठेकुआ बनाया जाता है जो कि छठ माता को बहुत पसंद है। तो आज सभी लोग अपने अपने घरों में गुड़ की खीर और ठेकुआ बनाते हैं। हमारे इधर गन्ने के रस से बनाया जाता है लेकिन जब गन्ने का रस अवेलेबल ना हो तो गुड़ से भी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे गुड़ से ही बना रही हूँ। यहाँ पे हमारी खीर पक चुकी है, बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूँगी और खीर को ठंडा होने दूँगी और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध बॉयल करके रखी थी अच्छी तरह से पका के और मिक्स कर दी हूँ और मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दी हूँ। जब भी गुड़ की खीर में दूध मिक्स करें तो गैस को ऑफ कर देना है, नहीं तो दूध फट जाता है तो इसलिए। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक छोटी कटोरी के मेजरमेंट से 2 कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से ही आज ठेकुआ बनाया जाता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच गाय का घी और अच्छी तरह से मैं आटे में मिक्स कर लूँगी। इसको ऐसे मसलते हुए मिक्स कर लेना है ताकि जो आटा है वो अच्छी तरह से बाइंड होने लगे, तभी ठेकुआ जो है बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो ऐसे मसलते हुए मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी और चेक कर लूँगी कि हमारा आटा बाइंड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से आटा मिक्स हो गया है और अच्छी तरह से बाइंडिंग हो रही है यहाँ पे। तो मैं थोड़े थोड़े जो गुड़ का रस है उसको डालते हुए आटे को मैं डो तैयार कर लूँगी। आटे का गूंथना नहीं है, ऐसे ही सॉफ्ट हाथों से मसलते हुए मैं डो को तैयार करूँगी। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रस को जो है मैं ऊपर से छिड़कते हुए और आटे का डो तैयार कर लूँगी। तो ऐसे ही करना है, बिल्कुल गूंथ के और आटा नहीं लगाना है, नहीं तो आपका ठेकुआ क्रिस्पी और डिलीशियस नहीं बनेगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा गुड़ का रस डालते हुए, छिड़कते हुए और मसलते हुए आटे के डो को लगा लेना है। बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं लगाना है, सख्त आटा ही लगाना है, डो बनाना है तभी परफेक्ट ठेकुआ बनता है। और यहाँ पे अब मेरा डो तैयार हो गया है और मैं छोटे छोटे ऐसे ही लोइयाँ लेते हुए और एक एक करके ठेकुआ तैयार कर लूँगी। अगर जो आपके पास ठेकुआ बनाने वाला सांचा नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
यहाँ पे देखिए मैं फोक के सहारे से ही सारा ठेकुआ एक एक करके तैयार कर रही हूँ और अलग अलग डिज़ाइन में मैं बनाऊँगी और आप सभी से शेयर करूँगी। तो आप सभी भी फोक के सहारे से ऐसे ही परफेक्ट और बिल्कुल क्रिस्पी ठेकुआ बना सकते हैं। यहाँ पे किसी सांचे सेपर की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सभी, मैं कैसे अलग अलग डिज़ाइन में जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं फोक के सहारे से इस पर बनाती जा रही हूँ और सभी ठेकुआ बहुत ही परफेक्ट और इजीली तरीके से बन जा रहे हैं। तो जैसी भी आपको डिज़ाइन पसंद हो आप फोक से ऐसे ही बना सकते हैं उस पर। कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, कैसा भी शेप दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। डीप फ्राई होने के बाद ठेकुआ का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो जो उसके ऊपर डिज़ाइन रहती है वो बहुत सुंदर दिखती है। तो यहाँ पे हमने अपना सारा ठेकुआ ऐसे ही करते हुए एक एक करते हुए बना लिए और बहुत ही परफेक्ट ठेकुआ बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसको डीप फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। इधर मैं गैस पे रखती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में पहले से ही मैं देसी घी गर्म कर ली हूँ फ्राई करने के लिए। हमने यहाँ पे गैस के फ्लेम को लो पे रखा है क्योंकि जब भी ठेकुआ बनाएं तो गैस के फ्लेम को लो पे ही रखना है, मीडियम पे भी जलने का चांस हो जाता है। और लो पे आपका ठेकुआ बिल्कुल ही परफेक्ट पकेगा और क्रिस्पी होगा, अंदर तक पकेगा। जब ठेकुआ को आप तोड़ेंगे तो बिल्कुल बिस्किट की तरह सुपर सॉफ्ट और अंदर तक पक जाता है, कच्चा रहने का कोई चांस नहीं होता है। तो जब भी ठेकुआ बनाएं इस बात का ख्याल रखें कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें और ऐसे ही धीरे 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 सारे ठेकुए अच्छी तरह से पका लें गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पर मैं एक चम्मच के सहारे से पलट रही हूँ क्योंकि ठेकुआ बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत तेज़ी से उसको नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो टूटने का भी चांस होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ठेकुआ है बिल्कुल परफेक्ट पका है और क्रिस्पी हो गया, अंदर से बिल्कुल क्रिस्प हो गया है और इसके अंदर जो क्रैक्स दिख रहे हैं तो यही इसकी पहचान है कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। नहीं तो अगर जो आपके ठेकुआ में क्रैक नहीं होंगे तो परफेक्ट नहीं होता है, कड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल बिस्किट की तरह ही सुपर सॉफ्ट बना है ठेकुआ। तो ये थी हमारी आज की छठ महापर्व की सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट रेसिपी। होप कि फ्रेंड्स आप सभी को बहुत पसंद आएगी और आप सभी भी एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर जो हमारी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे आज पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जो हमारी रेसिपी आप सभी को बनाने में आसान लगती है तो फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ।